जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। बहुत ही खुशी से, अच्छे से इस बहुत ही अच्छे त्यौहार को सेलिब्रेट करिएगा, अपने फैमिली रिलेटिव्स सबके साथ हंसी खुशी से मिलकर। देखो यार, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। हाँ, मैं एक्टिंग काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ अब जा चुकी हैं यार। मेरी ज़िंदगी कैसी होगी मैं नहीं जानता, और ज़िंदगी जैसी भी होगी मैं जीता चला जाऊँगा। अब किसी चीज़ की चाहत नहीं है, और ज़िंदगी में क्या करूँगा कैसे करूँगा उस चीज़ का अब डर रहा नहीं, बस चल रहा है, चल रहा है। और ये जो 4 महीने में गुजारा, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे, और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं 4 महीने गुजार लिया अपनी मॉम के बिना। और जब मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि परेशान हो जाता हूँ। और यार, जितने भी मेरे दिन गुजरे, उन सारे दिनों में ज़्यादातर टाइम तो मैं सैड रहा, रोता रहा, और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रोकर मुंह धो के आया हूँ। तो मुद्दा ये ना यार कि ज़िंदगी अब रास नहीं आती यार, अगर सच बोलूँ तो। और जब मैं देखा कि कल ईद है, और जब मैं देखा कि हर बार ईद में मेरे घर में कितनी खुशी रहती थी लेकिन इस बार नहीं है, तो बहुत अजीब लग रहा है। घर शांत है और कुछ भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपडेट की बात कर ले तो Vivo X Fold 2 लॉन्च हो चुका है। देखो यार, अभी तक सबसे बेस्ट फोल्डेबल फोन यही है। देखो यार, मैं एक चीज को नोटिस कर रहा हूँ, अभी तक बहुत सारे लोग फोल्डेबल फ्लिपेबल फोन्स के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और इस टॉपिक को लेकर वो ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं है। लेकिन फिर मेरे को इस चीज़ का पता चलता है कि Oppo Find N2 Flip के सेल्स बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, स्टॉक्स बहुत ही जल्दी क्लियर हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग Oppo Find N2 Flip को खरीद रहे हैं। तो क्या फ्लिपेबल फ़ोन नॉर्मलाइज होते हुए जा रहा है? क्या लोग फ्लिपेबल फ़ोन को खरीदने लग गए हैं? मुझे आप कमेंट करके बताओ। अगर आपके पास 80-90 हज़ार रुपये हैं तो आप एक फोल्डेबल फ्लिपेबल की तरफ जाओगे कि एक नॉर्मल फ्लैगशिप को खरीदने की कोशिश करोगे? देखो यार, जितना भी कर लो, फोल्डेबल फ्लिपेबल अच्छे फ़ोन्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन भाई अगर कोई एक नॉर्मल बंदा 1 लाख रुपये लगा रहा है तो भाई वो हर वक्त 1 लाख रुपये नहीं लगाएगा। और अगर वो 1 लाख रुपये लगा भी रहा है तो उसको वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेगा, 5-6 साल तक। तो क्यों ना वो सैमसंग या फिर एप्पल या फिर कोई और एक अच्छे ब्रांड की तरफ हो जाए जो उसका साथ 5-6 साल तक दे। Vivo Pad 2 भी लॉन्च हो चुका है, और अगर सच कहूँ तो यार, ये टैबलेट अच्छा नहीं लगा मुझे, अच्छे स्पेक्स नहीं दे पाया ये। मैं इस टैबलेट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन Xiaomi Pad 6 Pro को तो छोड़ो, Xiaomi Pad 6 ही Vivo Pad 2 को ईजिली बीट कर दे रहा है। तो यार, Vivo को थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था अपने टैबलेट में। अगर आप इस टैबलेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कल आपका भाई वीडियो बनाया था रात को, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देखना, सब पता चल जाएगा। Vivo X Flip को कैसे भूल सकते हैं यार, Vivo का फ्लिपेबल फ़ोन है। देखो यार, मानो या ना मानो, ये सबसे बेस्ट कैमरास प्रोवाइड करने वाला फ्लिपेबल फ़ोन है। स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लुक्स वाइज भी एकदम बवाल है, डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है इसका, कवर डिस्प्ले। अगर आप इस फ़ोन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, इसके ऊपर भी कल रात को वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब पता चल जाएगा। और अगर सच कहूं तो ये बहुत ही कड़ी टक्कर देगा Oppo Find N2 Flip को, लेकिन स्टिल करेंटली सबसे बेस्ट फ्लिपेबल फ़ोन है, फ्लिपेबल फोन है Oppo Find N2 Flip। Realme 11 सीरीज को लेकर काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स हैं। पहली बात, आपको सभी लोग Realme 11 Pro, Pro Plus के लाइव इमेजेस दिखाए थे ना, मैं आपको Realme 11 का लाइव इमेज दिखा रहा हूँ, देख लो। फ्लैट बैक रहेगा, कैमरा हाउसिंग बड़ा सा रहेगा, सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल रहेगा, साइड में पंच होल रहेगा, और चिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखने में अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि वाकई में Realme डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन भाई, कैमरास तो फालतू ही रहेंगे और स्पेक्स भी कुछ खास नहीं रहेंगे। लुक्स वाइज देखने में लग रहा है कि महंगा अल्टीमेट लुक है, लेकिन स्पेक्स कुछ खास नहीं होंगे। और अभी बात खत्म नहीं होता है, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का ये वाला कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगा कि वो मून के नकली फोटोज खींचता है। वाकई में वो मून के असली फोटोज नहीं खींचता है, इनफैक्ट कोई भी स्मार्टफोन मून के असली फोटो खींच ही नहीं सकता है। मून का अगर रियल फोटो खींचना चाहते हो, एक महंगा टेलीस्कोप, महंगा कैमरा चाहिए होगा, तभी एक रियल फोटो खींच पाओगे। जो फोन्स होते हैं वो मून के फोटोज तो खींचते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली इंप्रूव करते हैं फोटो को, डिटेल्स ऐड करते हैं, शैडोज ऐड करते हैं AI की मदद से। तो यही सेम सीनारियो सभी हम लोगों को Realme 11 Pro Plus में भी देखने को मिलेंगे। Realme 11 Pro Plus में आपको मून मोड करके एक फीचर मिलेगा, जिससे आप चंद्रमा के फोटोज खींच पाओगे, चंदा मामा के फोटोज खींच पाओगे। और तुम लोगों को क्या लगता है, एक 30,000 रुपए का फोन Realme 11 Pro Plus वो चांद के फोटोज खींच के आपको देगा, वो भी रियल वाले? कमाल करते हो यार तुम भी। जब से मैं परसों के टेक न्यूज़ में Google Pixel 7a का प्राइस बताया 50,000 रुपए, सभी लोग बोलने लग गए, सुफियान भाई कुछ यूट्यूबर्स तो कह रहे हैं कि 35-36,000 रुपए के आसपास प्राइस होगा। देखो यार, मैं भी आपको 3-4 महीने पहले बताया था
37-38,000 रुपए के आसपास प्राइस होगा पिस्टल 7A का इंडिया में। लेकिन अब यार कुछ फ्रेश रूमर्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि 50,000 रुपए के आसपास होगा। देखो यार फिर वही बात हो जाती है, पिक्सल 7 60,000 रुपए के आसपास मिल रहा है तो बंदे उसको जाके क्यों नहीं खरीदे, क्यों पिक्सल 7A को फिर खरीदेंगे। देखो यार रूमर्स थे तो बताया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 45,000 रुपए तक तो मान के ही चलो प्राइस रहेगा ही रहेगा पिक्सल 7A का। और भूलो मत पिक्सल 6A इंडिया में कौन से प्राइस पे लॉन्च हुआ था, कौन से प्राइस पे लॉन्च हुआ था कमेंट करके मुझे बताना। मुझे मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मोटो रेजर सीरीज के बहुत सारे फ्लिपेबल फोन्स अगले महीने मई के मंथ पे लॉन्च हो जाएंगे, पोस्टर्स आ चुके हैं। अब देखो यार अगर सच कहूँ तो मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ कि कितने फ्लिपेबल फोन लॉन्च हो रहे हैं। मोटो रेजर, मोटो रेजर 2023, मोटो रेजर प्लस, मोटो रेजर लाइट, मोटो रेजर 40 अल्ट्रा। अरे बस कर भाई, पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। ब्लू स्काई ऐप अब एंड्रॉइड फोन्स के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, आप जाके ट्राई कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। लेकिन मिलने के चांसेस थोड़े से कम होंगे क्योंकि अभी नया नया है तो इतने जल्दी ऊपर नहीं आएगा, फिर भी ट्राई कर लेना। देखो यार अभी वेटिंग लिस्ट में आपको लगना होगा तब जाके आप ब्लू स्काई को ट्राई कर पाओगे। अब आप लोग बोलोगे सुफियान भाई ये ब्लू स्काई क्या है, ट्विटर को इलॉन चचा खरीद लिए ना, जैक डॉर्सी इसको बनाए थे, तो जैक डॉर्सी अब अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ब्लू स्काई, और मैं 5 महीने से इसका अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो यार ये जो नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर के जैसे ही होगा, अभी कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा, केवल मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है, एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जरा खुद सोच कर देखो। तो ट्राई करना चाहते हो तो जाओ सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर में। वैसे यार ट्विटर को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, आज से ट्विटर में जितने भी ब्लू टिक वाले आपको बंदे दिखाई दे रहे थे ना, उन सारे बंदों के पास से ब्लू टिक ले लिया गया है। हाँ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अपने ब्रैड पिट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसको भी लेना है ले लो, सबके प्रोफाइल से आपको ब्लू टिक हटते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि भाई अब से आपको हर महीने पैसा देना होगा, 1,000 रुपया दोगे तो ब्लू टिक मिलेगा, तो जो जो 1,000 रुपया देंगे उनको ब्लू टिक मिल जाएगा, तो फिर से आपको दिखाई देने लगेगा ब्लू टिक। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसके चक्कर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट हमारे अमिताभ बच्चन सर जो है ट्वीट भी कर दिए, देख लो कितना अच्छा वो ट्वीट किया है, पढ़कर बहुत अच्छा लगा, पढ़ो उसको, पढ़ो उसके बाद मुझे बताना। भाई सही बता रहा हूँ यार, इलॉन चचा क्या कर रहा है पैसे के लिए। गूगल पिक्सल टैब, ये जो टैबलेट है 10 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, गूगल का पहला टैबलेट, इसका प्राइस शुरू होगा 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए के आसपास। हाँ अभी यही पता चला है। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर जब लॉन्च होगा तो उसके दो वर्जन होंगे, एक तो स्मार्टफोन्स के लिए होगा, एक होगा लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए। बहुत ही अच्छी बात है यार, इससे कन्फ्यूजन कम होंगे और प्रोडक्शन में आसानी भी होगा, और ब्रांड्स खास के सैमसंग हो गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके अपने फोन्स में यूज करेगा इस प्रोसेसर को। और यार प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन अभी खत्म नहीं होते हैं, 4th Gen 2 आने वाला है, या फिर 4th Gen सीरीज के अंदर में आपको एक नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसके स्पेक्स काफी अच्छे हैं यार। अब देखते हैं भाई कौन से फोन में सबसे पहले दिखाई देता है अपने को। MediaTek Dimensity 9200 प्लस कह लो या फिर MediaTek Dimensity 9300 कह लो, जो भी इस प्रोसेसर का नाम होगा, इसके की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार बहुत ही बवाल स्पेक्स दे रहा है, मानो या ना मानो। Vivo S17 Pro aka Vivo V29 Pro के कैमरा स्पेक्स बाहर आ चुके हैं, कैमरास बहुत ही ज्यादा ऑसम लगे मुझे, आई होप सो कि ऐसे ही कैमरा स्पेक्स हों। Vivo Y78 Plus तो आपको याद होगा ये 26 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहा है, डेट बाहर निकल के आया है, और कुछ की स्पेसिफिकेशंस भी दिखा रहा हूँ, देख लो अच्छा फोन है, अच्छे स्पेक्स दे रहा है Vivo के नजरिए से। लावा को लेकर काफी अच्छे अपडेट्स हैं, लावा अग्नि 2 और लावा ब्लेज 1X, लावा के दो नए 5G फोन्स लॉन्च होने वाले इंडिया में, और ये बहुत ही अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही अच्छे प्राइस पे लॉन्च होंगे। अच्छा लग रहा है देख के कि कोई तो एक हमारा इंडियन ब्रांड है जो इतना मेहनत कर रहा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, लगे रहो लावा और भी अच्छे अच्छे स्पेक्स के साथ, अच्छे अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन्स को लेकर आओ, अपने आफ्टर सेल सर्विस को और अच्छा करो, अपडेट्स और अच्छे से देने की कोशिश करो, और देखना यार फिर तो तुम बहुत ही अच्छे ब्रांड बन जाओगे, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, मानो यार मानो। OnePlus Fold, इसका ये नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा OnePlus V Fold, जो आगे चल के Oppo Find N3 Fold बन जाएगा। इसके रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस वापस से दिखा रहा हूँ, देख लो यार। देखो यार मैं जानता हूँ हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से आस लगा के बैठे थे Xiaomi CV 2 इंडिया में लॉन्च होगा, Xiaomi 13 Lite बनकर, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ, मैं आपको बता भी चुका था, एक महीने पहले बताया था कि Xiaomi का कंडीशन अभी अच्छा चल नहीं रहा है, वो अपने प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को बदल रहा है, दैट्स वाई वो अभी अपने इन फोन्स को लॉन्च नहीं करेगा, जैसे कि Xiaomi 13T सीरीज के फोन हम लोगों को दिखाई नहीं दे सकते इंडियन मार्केट में, Xiaomi 13 Lite हो गया, Xiaomi 13 Ultra हो गया, Xiaomi 12S Ultra हो गया। तो यार इसी वजह से Xiaomi अपने अभी थोड़े स्ट्रेटेजीज और प्लान्स को बदल रहा है, देखते हैं वो कौन कौन से फोन इंडिया में लॉन्च करता है। लेकिन बात खत्म नहीं होता है, Xiaomi CV 3 3C सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, Xiaomi CV 3, ठीक है।
iQOO 12 और iQOO 12 Pro ये जो स्मार्टफोन्स हैं इस साल के सितंबर मंथ के आसपास तक आपको दिखाई देंगे, अगस्त या फिर सितंबर मंथ के आसपास तक चाइना में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे और ये बहुत ही बवाल स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे और 200 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देंगे, 5000 mAh बैटरी भी होगा। चलो यारो आज का मेरा हो गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना और याद रखना आज के बाद से सारे वीडियोस टाइम पे आने वाले हैं, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यार। We'll be right back.